नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। कन्या राशि वालों का वर्ष 2022 में विवाह होगा अन्यथा नहीं होगा, और होगा तो कौन कौन से महीनों में होगा। साथ ही हम यह जानेंगे कि कन्या राशि वाले क्या उपाय करें जिससे विवाह शीघ्र जुड़ जाए। तो आइए जानते हैं, विवाह के लिए सबसे प्रमुख ग्रह है गुरु। गुरु यदि कुंडली में शुभ भाव में गोचर करता है तो विवाह का योग बनता है। दूसरी बात यह है कि कुंडली में यदि गुरु की स्थिति अच्छी है, योग कारक है, डिग्री वाइज बलवान स्थिति में है, कोई पाप ग्रह से प्रभावित नहीं है, पूर्ण रूप से शुभ है, तो ऐसे में विवाह समय पर हो जाता है। और यदि आपकी कुंडली में गुरु खराब स्थिति में है, पाप कतरी दोष में है, या पाप ग्रहों से प्रभावित है या नीच का है, तो समय पर विवाह नहीं जुड़ पाता है, कई सारी व्याधियां आती हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि उपाय के माध्यम से गुरु को आप ठीक कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो हम यह जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों का विवाह 2022 में है कि नहीं है। देखिए, गुरु का गोचर यदि हम देखें तो 13 अप्रैल तक गुरु का गोचर छठे भाव में रहेगा कुंभ राशि में, कन्या राशि वालों के हिसाब से। तो छठे भाव में जब गुरु का गोचर रहता है तो विवाह का योग बनता है। तो अप्रैल तक भी विवाह का योग है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन महीनों में भी कन्या राशि वालों का विवाह का योग बनता है। उसके बाद जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा 13 अप्रैल 2022 को, तो गुरु कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में गोचर करेंगे। तो मीन राशि में जब गोचर करेंगे तो कन्या राशि से सातवीं राशि मीन राशि होती है, तो ऐसे में विवाह के प्रबल योग बनते हैं। तो अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक पूर्ण योग बने हुए हैं, इसलिए कन्या राशि वालों को वर्ष 2022 में कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि विवाह तो जुड़ जाता है, लेकिन जब आप आचार्य के पास जाते हैं, कुंडली दिखवाते हैं, नाम राशि से विचार करवाते हैं, तो वो कह देते हैं कि इस वर्ष विवाह नहीं होगा। तो ऐसी कोई शंका करने वाली बात नहीं है, 2022 में कन्या राशि वालों का विवाह पूर्ण रूप से होगा। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। जिन लोगों का संबंध बनता ही नहीं है, रिश्ते आते ही नहीं है, तो उन लोगों को अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है, इससे जबरदस्त फायदा होगा। इसको अधार्गला स्तोत्र भी कहते हैं। इसका आप पाठ करें, एक पाठ करें या दो पाठ करें या पांच पाठ करें या सात पाठ करें, जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी योग बनेगा। दूसरी बात, जिनके रिश्ते खूब आते हैं और जुड़ नहीं पाते, उन लोगों को पुखराज रत्न धारण करना चाहिए या फिर पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, और बुद्ध के बीज मंत्र का जप करना चाहिए, ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे तो संबंध शीघ्र जुड़ जाएगा और विवाह होगा। उसके बाद कई लोगों का ऐसा होता है कि विवाह के लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं और देखकर चले जाते हैं, उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। तो उसके लिए क्या करना है कि स्नान करते समय एक चुटकी हल्दी पानी में डाल करके स्नान करें, ऐसे में जो है संबंध मजबूत बनेंगे और विवाह जो है हो जाएगा। तो इन उपायों को यदि आप करेंगे तो विवाह शीघ्र आपका जुड़ जाएगा। वैसे कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2022 में प्रबल योग बने हैं विवाह के लिए, और विवाह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।